हैदराबाद के मेहदीपटनम में सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन्स में कल्चरल बोलांजा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और जानकारी के अनुसार ये प्रोग्राम तेलंगाना राज्य के सांस्कृतिक नृत्य को बढ़ावा देने को लेकर किया गया था, जिसमें लोगों को सांस्कृतिक नृत्य से अवगत कराया जा सके। आपको बता दें कि इस नृत्य को पेरिनी सिवा टंडाबम के नाम से जाना जाता है, जो कि काकतिया सभ्यता से चला आ रहा है। बताते चले कि इस प्रोग्राम में सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन्स की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कॉलेज के सारी शिक्षिकाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी पेश किए गए। आइए सुनते हैं सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन्स की शिक्षिकाओं ने क्या कुछ कहा है। And Tamil Nadu now predominates with Bharatanatyam and Parvathamela and Mahari, both becoming one art form as Odissi. Like that, in South we have Bharatanatyam Mohiniyattam. Sanskriti ki coordinator. Sanskriti club ki sthapna 2010 mein humare college mein ki gayi aur is club ka ek uddeshya hai ki hamare aaj ke chhatra जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और अपने मूल्य से आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं, उन छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति एक रुचि पैदा करना और एक बार फिर से उनमें मूल्य और आदर्श की स्थापना करना हमारे संस्कृति क्लब का उद्देश्य रहा है। इसी संदर्भ में अक्सर हम अपने संस्कृति से और कला से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने तेलंगाना ट्रेडिशनल डांस पेरिनी का आयोजन किया और बच्चे उत्साहित होकर भाग भी ले रहे हैं और हमें आशा है कि एक बार फिर जो ये संस्कृति पेरिनी की संस्कृति लुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति को हमारे छात्र अपनाएंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर स्मिता अस्थाना। Today is one such special day at St. Anne's, where we are having this cultural program organized by the Sanskriti Club, the cultural club of the college. And आप सबका स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये हमारे कॉलेज की एक खासियत है कि हम लोग किसी भी पहलू को छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आज की युवा पीढ़ी को हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में, हमारे पूरे संगीत और नृत्य शास्त्र के बारे में कुछ तो ज्ञान हो। सब लोग अपनी अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो हमारे कॉलेज का ये प्रयास है कि वक्त पे उनको समझाया जाए और इस कला के माध्यम से उनको अपनी रूट से पहुँचाया जाए। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू। Dean Student Affairs and Head of the Department Chemistry. Today is a very special day in where we are celebrating the art and culture of India. We have a Sanskriti Club in St. Anne's College which encourages and promotes this art and culture of India and of the state. Today is one such occasion where we are having a Perini dance in which, which is a very important dance form of Telangana. And the students are seeing this and enjoying the whole thing, and we have such a professional dance troupe amongst us, and all of us are able to see and wonder how many art forms are existing in this country. And I hope our students benefit from this and appreciate the art and culture of our Hyderabad. Samamajiyaudan report.